वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शुक्रवार को 10 सरकारी बैंकों का विलय करने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बताया कि 10 सरकारी बैंकों का विलय होकर 4 बड़े बैंक बनेंगे। विलय के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले बैंक कर्मचारियों के 9 संगठन शनिवार को देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 10 सरकारी बैंकों का विलय करने का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 10 सरकारी बैंकों का विलय होकर 4 बड़े बैंक बनेंगे। इनका कुल कारोबार 55.81 लाख करोड़ रुपए का होगा। जिन 6 बैंकों का 4 बड़े बैंकों में विलय किया जाएगा, उनमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल 3 बैंकों के विलय से फायदा हुआ। रिटेल लोन ग्रोथ में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि विलय के बावजूद बैंक कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाएगी। 10 बैंकों के विलय का फैसला देश के बैंकिंग इतिहास में दूसरा बड़ा फैसला है। 10 बैंकों के विलय के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या मौजूदा 27 से घटकर 12 रह जाएगी। उधर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटचेलम ने शनिवार को कर्मचारियों और अधिकारियों से विलय के खिलाफ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर के तले बैंक कर्मचारियों के 9 संगठन विलय के खिलाफ शनिवार को देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।